हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी है आलू बैंगन की सब्जी। आलू बैंगन की सब्जी बनाने के लिए हमने फ्रेश बैंगन लिए हैं। आज मैं लंबे वाले बैंगन की सब्जी बनाऊंगी और इसके लिए हमने एक बड़े साइज़ का आलू लिया है, 2 कटी हुई टमाटर और 15 से 20 लहसुन की कलियां लिए, 2 कटी हुई हरी मिर्च और 1 बड़े साइज़ का प्याज। तो आइए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा तेल डालेंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें बारीक करे हुए प्याज फ्राई कर लेंगे और प्याज को हम मीडियम आंच पर 2 से 3 मिनट तक बढ़िया से भून लेंगे। तो प्याज हमारे हल्के भून चुके हैं, अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च और लहसुन डाल देंगे और इन्हें भी थोड़ी देर पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, लहसुन और हरी मिर्च भी हमारे बढ़िया से पक चुके हैं। अब हम इसमें आलू डाल देंगे और इसके साथ ही हम मसाले भी डाल देंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और स्वाद अनुसार नमक। सभी मसालों को बढ़िया से पका लेंगे। तो 1 से 2 मिनट हम इसे भून लेंगे ताकि मसाले हमारे बढ़िया से पक जाए। तो मसाले हमारे पक चुके, अब हम सब्जी को ढक देंगे और गैस का फ्लेम स्लो करके थोड़ी देर पकने देंगे। तो आलू हमारे पक रहे हैं, तब तक हम एक कढ़ाई में फिर से थोड़ा तेल डालेंगे और तेल जैसे ही गर्म होगा इसमें कटे हुए बैंगन डाल देंगे और बैंगन को थोड़ी देर भून लेंगे। बैंगन को हम तब तक भुनेंगे जब तक कि बैंगन का कलर चेंज ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बैंगन हमारे बढ़िया से भुन चुके हैं। अब हम इन्हें जो मसाला तैयार किया था इसमें डाल देंगे और सब्जी में मिक्स कर लेंगे। अब सब्जी को 2 से 3 मिनट हम बिना ढके ही पकाएंगे और इसके साथ साथ हम इसमें कटे हुए टमाटर भी डाल देंगे ताकि टमाटर भी हमारे पक जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बैंगन भी हमारे बढ़िया से मसाले में मिक्स हो चुके हैं और टमाटर भी अच्छे से पक गए हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी टेस्टी मज़ेदार आलू बैंगन की सब्जी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो लीजिए, अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप इसे रोटी, पराठे, चावल किसी के साथ भी खाइए, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है और बच्चों के टिफ़िन में भी आप बनाकर दे सकती हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, आज की मज़ेदार रेसिपी आलू बैंगन की सब्जी आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में।